हाँ जी दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपका चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आपके चैनल पर, और बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। और दोस्तों आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें हमारे चैनल पर और मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते जाएं दोस्तों। और जो हमारे वीडियो पे नए आए हैं सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आज दोस्तों ये हमारी धान की बेलन है, तो आज मैं खेत आया था तो मैंने सोचा बहुत दिनों में कोई वीडियो नहीं डाला मैंने अपने चैनल पर, तो आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये मेरा खेत है और ये धान की बेलन है, तो ये 28 मई को मैंने बेलन जो है डाली थी खेत में धान की। तो आप देख सकते हैं इसकी लगभग ये के आसपास की है इसकी ऊंचाई, तो बस कुछ ही दिनों बाद धान की रोपाई चालू हो जाएगी हमारे यहाँ पे। तो बेलन दोस्तों थोड़ी ख़राब हो गई थी, वहाँ बीच में आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो देख सकते हैं आप, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। और ये मैंने थोड़ी बेलन फिर से मैंने डाला उसके बगल में, वो थोड़ी छोटी है। तो दोस्तों कभी भी आप बेलन डाले तो इसको अपना जो है जब बराबर करें तो इसको सही तरीके से बराबर करें, लेवल जो है लेवल होना चाहिए खेत, ताकि बेलन पूरी तरह से उसकी जमाई हो सके खेत में, और ताकि आपको दोबारा बेलन न डालना पड़े। तो ये मंसूरी सांभा मंसूरी की कुछ वैरायटी हैं, तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है हमको कि कौन सी वैरायटी है। तो दोस्तों कभी भी आप लोग बेलन करें तो उसमें खेत को पूरा लेवल कर लें जुताई के बाद, जो पाटा होता है तो उसको आप ट्रैक्टर निकलने के बाद दो लोग मिल करके रस्सी पीछे बांध लें उसमें, तो पीछे उसको जो है पाटा मारे तो खेत एकदम लेवल हो जाएगा, तो आपका जो है आप कोई नुकसान नहीं होगा, दोबारा बेलन डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा हरी खाद की बुआई की थी हमने, बहुत ही कम बीज डाला था, पिछली बार बहुत ज़्यादा हो गया था तो उसमें बहुत ज़्यादा जुताई जो है करनी पड़ी और ज़्यादा डीजल खर्च आया हमारा, तो इसलिए अगली बार थोड़ा कम बीज डाली हमने। ये चीज़ आप देख लीजिए, ये लगभग मई में मैंने ये 22 या 25 के आसपास मैंने की। एक खास बात यह है कि ये जो ढांचा है मेरा, ये देख लीजिए जब धूप इसमें लगती है तो ये पूरी तरह से खिल जाता है, तो ये अभी जैसे जैसे इसको शाम होती जाएगी एकदम मुरझा जाएगा। तो इसकी एक खास बात ये भी है, काफ़ी बढ़िया काफ़ी हरियाली काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हरियाली और भी अच्छी लगेगी। जैसे ही ये थोड़ा अभी इसकी हाइट इतनी हो जाएगी, लगभग एक हफ्ते बाद हम शुरू करेंगे तो ये इतना हाइट आ जाएगा इसका, उसके बाद मैं इसकी जुताई कर दूँगा, पूरा खेत में मिल जाएगा।